But yeah, okay, thank you. I want to thank you for a good product. And a product that has globally got people's attention. Now, look, दुनिया भर में इसका एक कितना चर्चा चल रहा है. और वो characters real life हो गए हैं. यानी कि they are real people. They're not characters anymore. You can relate to Mustafa. You can relate to Sharjina. The parents, Adil. And सबने इतना अच्छा काम किया है. और वो भी captain of the ship अच्छा हो तो फिर लोग मेहनत भी करते हैं. And I think overall it's just a beautiful product. छोटे छोटे nuances तो हमें हम technically देख रहे होते हैं तो थोड़ा सा eagle eye होता है हमारा hawkish. But otherwise I think it's a wonderful product that we all be very proud of. और जैसे अतीका जी ने कहा ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे ड्रामे हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं जिनको हमने रिव्यू किया वो पॉपुलर बहुत थे लेकिन ऑडियंस को जजेस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे और क्रिटिकल ऑडियंस ज़्यादा उसको वोटिंग कर रही थी और जजेस के नंबर बिल्कुल मुख्तलिफ होते थे. इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल नादिया मैं जी अतीका जी आप सबके जहन में आ गई होंगी और आपके जहन में भी आ गई होंगी. ये बजट से बाद कोई ड्रामा आया आई थिंक आफ्टर खई कोई ड्रामा आया है जिसमें पब्लिक वोटिंग भी थी और जजेस के नंबर भी थे. खई के अलावा कोई ऐसा ड्रामा पॉपुलर बीच में नहीं हुआ बीच के अरसे में या तो जजेस की तरफ से नंबर ज्यादा मिलते थे. आई थिंक आल्सो काबली पुलाव वो खई से पहले था. अच्छा दैट वाज हां खई बाद में. खई का मसला है कि मैंने शुरू किया था समवन लाइक मी कुडंट कंटिन्यू वाचिंग इट. वायलेंस एंड रोना एंड डिप्रेशन बहुत थी. यहां पे वो चीजें आई मीन इमोशंस हैं ट्रेजेडी ऐसा कुछ है लेकिन ये नहीं कि आप देख नहीं सक रहे ना. सो इट्स डिफरेंट इट्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट. सो जी आप अब करेगी उसके साथ is a well rounded and I've said this again and again every week ke is script ki sab ki sabse maze ki baat hai ki jitne bhi kirdaar hain iske inka overall jo ek arc hai wo hai wo hamesha well rounded arc aata hai wapas. Nobody is missing in this game. Parents bhi unka bhi ek pura full circle hai. Main cast to hai hi hai but even the major support and support characters are very well defined and part of the story and part of the story and the plot they're not just there. So when Natasha came back I got very excited. Oh okay so they didn't forget Natasha and now it's going to be fun because ye rubab adil aur natasha ka triangle jo hai na agle hafte pata chalega at the ke what aaj pata chalega aaj pata chalega so aur hum abhi yahan thoda sa pata chala bhi lenge. So I think overall as a story as a the characters overall jo iska jo ek pura ग्राफ रहा है थ्रू आउट. कहीं भी कहीं झोल नहीं आया कहीं भी कहीं डिप नहीं किया थ्रू आउट द सीरियल थ्रू आउट वी ऑलवेज केप्ट एंगेज्ड यू नो ऑलवेज केप्ट एंगेज्ड वेदर इट वाज अदील का ट्रैक था या मुस्तफा का ट्रैक था आप इंगेज रहे हैं थ्रू आउट. वालदेन पे भी जब सिर्फ माँ बाप का भी वो उनके साथ भी आप इतने इंगेज रहे हैं. तो अभी फिलहाल राइटर है सो एंड देयर जर्द पत्तों का बन कमिंग. सो हमने ये एक फॉर्मूला ईजाद किया है बदर के क्योंकि हमारे पास पांच स्टोरीज होती हैं तो हमने कहा कि भाई हु इज़ गोइंग टू बी ऑन नंबर 10 हु इज़ गोइंग टू बी ऑन नंबर 9 हु इज़ गोइंग नंबर 8. सो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बिकॉज इट्स दिस वीक आई एम गोइंग टू गिव इट अ 9. चलें जी अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की और वेरी फर्स्ट टाइम हमारे शो पे हो रहा है कि जिन डायरेक्टर की बात हो रही है हमारे साथ मौजूद भी हैं. जब हमने मैं का किया था उस वक्त तो नहीं थे लेकिन ये बात है देखो हम सच्चे हैं जिस तरह बोलते हैं वो बोलते हैं. मैंने ये कुछ आई थिंक दो हफ्ते पहले ये बात की थी कि बदर हैज़ नाउ मैच्योर्ड इमोशनली एज अ ह्यूमन बीइंग एंड यू कैन सी इट इन हिज वर्क. आपको पता चल जाता है ना कि अगर कोई डायरेक्टर थोड़ा सा still emotionally sort of not developed आपको काम से पता चल जाता है आपको फ्रेम से पता चल जाता है आपको वो जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो डायरेक्टर हैंडल कर रहा होता है उससे पता चल जाता है कि एक लाइफ एक्सपीरियंस अब नज़र आ रही है. सो बदर इन एपिसोड्स में इन पूरी सीरियल में ना एक मेच्योरिटी नज़र आई है मुझे विच यू थोड़ी सी पहले थोड़ा मुझे कम लगता था. आपका मेहनत तो आपने सब में ही बहुत की है लेकिन इसमें एक आपकी इमोशनल मेच्योरिटी मुझे बहुत नज़र आई. The way you handled the role characters, whether it was betrayal or happiness or whatever emotion, जो भी जज्बात नज़र आए हमें उसमें एक director की emotional maturity बहुत वाज़े से नज़र आई है. And of course मेहनत तो बहुत की है. I mean there's no question. And I'm going to break my thing of giving 10 to only one person. I'll give to two directors because it's well deserved. Yeah, absolutely. And I think Badr is a complete 10 for this for sure. ऑडियंस की तरफ चलते हैं. जी
टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं 23,800 और बदर महमूद साहब के हिस्से में पब्लिक की तरफ से आए हैं 7,427 31% बनते हैं 3.1 टोटल है जी 23,800 यानी ऑडियंस की तरफ से इनको हाईएस्ट मिले हैं पहले कभी मैं कभी तुम जो था वो ऑलमोस्ट लेके जा रहा था 70% चंक ले जाता था बट जब से ये जड़ पत्तों का बन वापस आया है हम शामिल नहीं था हमारे साथ तो उसने कुछ वोट नहीं और सुन मेरे दिल को वोट ज्यादा अच्छा यहां एक मेरा रिमार्क था फॉर बदर वो ये था कि जब पार्टी का सीन था ना तो आवर गर्ल्स सम ऑफ आवर गर्ल्स डोंट लुक नाइस इन वेस्टर्न वेयर फैशन की बात अब हो रही है विच पार्टी से जो अब लास्ट रबाब ने बर्थडे पार्टी रखी है ना उसमें नताशा एंड रबाब बोथ वॉन्ट ड्रेसेस तो आई फील कि लेडीज आर नॉट लुकिंग गुड इन अ सर्टेन थिंग द वार्डरोब शुड बी चेंज्ड बिकॉज़ दे आर नॉट लुकिंग गुड इन द वेस्टर्न ड्रेस थोड़ी सी हैवी एंड हिप्पी लग रही है जस्ट अ कमेंट देखो किसका आइडिया था ड्रेस जो था ग्रीन वाला आपकी पसंद शी इज वेरी इमोशनली एम्बेडेड इनटू द कैरेक्टर एंड यू फील फॉर हर आपको एक कनेक्शन आती है उसके साथ इमोशनल कनेक्शन आती है ऑडियंस को और ये बड़ा मुश्किल होता है बहुत लोग बहुत सी परफॉर्मेंसेस देते हैं लेकिन आप कनेक्ट नहीं करते बिकॉज दे लुक वेरी आर्टिफिशियल So I think the ability she has is a very unique one as one of the new girls ke wo aisa kaam karti jahan pe aapko ek connection aa jati hai is ladki ke sath plus of course very brave ki ji maine makeup nahi karna yani ka lenses lagayi lekin makeup she sab utar diya yani ki strip shuru se lagaye lenses shuru se but here ki and touches nice touches ki mia ke shirt I also wear my husband's t-shirt yeah, yeah, na hum sab pehante hain to I think she's done a fabulous job with the character अच्छा मैं हमेशा ये कहती थी कि हानिया को टिपिकली वो रोल्स देते जहाँ पे रोती रहती है ये थोड़ा बाद में आया है बीच में बहुत एक प्रैक्टिकल सेंसिबल लड़की चलती रही है और समझदार लड़की चलती है आई लाइक सीइंग हर इन दोस पार्ट्स आल्सो नॉट जस्ट इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड ऑल द टाइम ना तो एक फ़र्क आया तो इससे बहुत अच्छे अपने हाइज एंड लोज बहुत अच्छे रखे हैं 10 प्लस ऑल्सो आई थिंक दैट when you portray a character closest to what that character should be which is the no makeup which is the ordinary clothes because that's what she is agar isi mein agusti constantly baal blow dried hote makeup hota we probably would not to ye drama bhi ghair ho jata ha like other dramas maine nahi kaha hum shayad na related kyunki ghair drama mein jo blow dry hai na bas wo ghair kar chuka hai wo usse ghair kar diya that is aur I think ye ek bahut bada I think for future people who are coming into this field and all you must understand You must play a character. Yeah. आप अपने आप को ना प्ले करें We don't want to see you because we see you all the time on Instagram and all. You have to play that character which this girl is doing. या तो पता चलेगा कि शर्जीना के साथ क्या होने वाला नहीं तो ड्रामे की ड्रामा करूँ ना करूँ बैठना साथ है अच्छा यहाँ मुकाबले बात कहना बड़ा जरूरी है क्योंकि हमारे पास डायरेक्टर बैठे हैं खुद जरूरी है ऑडियंस के लिए कि देखें आप लोगों को ये एक चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि हमारे ट्रेड में भी लोग कितने इन्वॉल्व हैं इस प्रोग्राम के साथ कि लोग देख रहे हैं और हमारा जो एक तबसरा होता है वो एक क्रिटिक होती है और हमें एहसास है लोग कितनी मेहनत करते हैं और हम सिर्फ यहाँ बैठ के अगर कोई चीज़ अगर नेगेटिवली भी बोलते हैं तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वी हैव एक्सपेक्टेशंस हमारी एक्सपेक्टेशन हमारा प्रोडक्ट बेहतर से बेहतर हो जाए आज डायरेक्टर जो बैठे हैं हमारे साथ इससे चीज़ वाजे हो जाती कि आपस में हम लोगों में कोई वो ऑकवर्डनेस नहीं है या वो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बिटवीन शो एंड ट्रेड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कुछ अर्से पहले की बात है बदर साहब के ड्रामा मैं को हम जब रिव्यू करें तो उसमें बहुत क्रिटिसाइज किया गया बहुत सारे पॉइंट्स हम सब ने डिस्कस किए और बहिना जी ने भी उस पर मुझे प्यार हुआ था लेकिन यही बदर थे तब भी हाँ और उस वक्त नाजिया कहती थी अगर बदर आगे मैं कहाँ छुपूंगी मैं किधर जाऊंगी लेकिन आज सामने बैठे तो यही बात है कि खुले दिल से हम एक हर एक इंसान की राय होती है और हर राय की एक जगह होनी चाहिए और उस पे आप इसमें बदर क्या कहते हैं हमारे शो पे जिसने हमने कवर किया अच्छा बदर आपको क्या लगता था जब आपको गुस्सा आता होगा हम लोगों पे शुरू में या सही सही सच बोलेगा नहीं मैं आपको बिल्कुल सच बताता हूँ मैं जब ऑन एयर होता है प्ले तो मैं रिव्यूज नहीं देखता हूँ किसी के भी डोंट यू थिंक इट्स गुड फॉर द इंडस्ट्री कि जी बात की जाए सेलिब्रेट किया जाए डिस्कस किया जाए जिक्र किया जाए ड्रामा
नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पॉजिटिव्स नेगेटिव सब बताने चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी अच्छा बन जाए, अभी भी कभी मैं कभी तुम बहुत अच्छा बन गया, आप लोगों को, आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक भी दिया. अक्सर मैं एडिट पे बैठा हुआ तो मुझे होता है कि यार ये चीज़